राजातलाब तहसील में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजातलाब बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कराया शपथ ग्रहण। वाराणसी जिले के राजातलाब तहसील पर बुधवार को दी तहसील बार एसोसिएशन द्वारा शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शपथ ग्रहण समारोह की बतौर मुख्य अतिथि वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रही। वही मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ के साथ अंगवस्त्र चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वही नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष रामजीत सिंह पटेल, महामंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष आनंद पाल समेत सभी अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपना दल एसके राष्ट्रीय अध्यक्ष व वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा गोपनीयता एवं पद का शपथ ग्रहण कराया गया। वही समारोह के दौरान अनुप्रिया पटेल ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया। वही समारोह के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महेंद्र सिंह पटेल, वाराणसी के सेंट्रल बार व बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष राधे मोहन त्रिपाठी, सेंटर बार के अध्यक्ष मोहन यादव, घनश्याम पटेल, केसर राम, शंभु शरद चौरसिया, रत्नेश पांडे, सुनील सिंह, धीरेन्द्र शर्मा, सर्वजीत भारद्वाज समेत एसडीएम राजातला उदय भान सिंह तथा दर्जनों अधिवक्ता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। महिलाओं के आरक्षण की बात कही जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है कि महिलाओं की प्रतिभागिता और प्रतिनिधित्व हमारे राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ भी, और उत्तर प्रदेश के अलावा भी जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ भी ये जो उनका विषय है उसको लेकर उन्होंने आगे बढ़ना। मैं मिर्जापुर, आपका संसदीय क्षेत्र रहा है, पूर्वांचल में खास पकड़ रही है अपना दल की, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपना दल 2017 के मुकाबले 2022 में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी मैंने आपसे कहा कि सीटों के बंटवारे के संबंध में हमारी वार्ता जारी है, और जब सीटों की संख्या स्पष्ट होगी तो निश्चित रूप से आपको भी। क्या उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उम्मीद करते हैं? समाजवादी पार्टी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के राजनीति किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ईश्वर हम सभी के लिए आस्था का विषय है, और ईश्वर को राजनीति में घसीटने की कोई महत्व भी, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। उत्तर क्षेत्र में लालगंज थाने में जो घटना हुई है ब्राह्मण परिवार के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट पे टिप्पणी नहीं करूंगी। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरफ जा रही है जनता, क्या नजर आता है? 5 वर्षों में जो विकास यात्रा उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ी है, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर नए एक्सप्रेसवेज, नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट, हर जिले में नया मेडिकल कॉलेज, नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सारे विकास के काम जो हुए हैं उसके आधार पर एक बार फिर जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता।